बैठ 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 अच्छा ऐसा पकड़ ले। हाँ बैठ बैठ गई। अच्छे से पकड़ना मुझे। हाँ हाँ छोड़ना नहीं। नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। आपको ये सीरीज पुलिस एफआईआर चैनल पर मिलेगा। हमारा मकसद आपको सिर्फ सतर्क करना है, ताकि ये सब स्टोरी देखकर आप सतर्क हो सकें कि क्राइम किस किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ओए रख चल भग। पागल कहीं की चल जा उधर। नहीं नहीं भागेंगे कि मारेंगे पत्थर। चल चल कहीं की हट। कहां से आ गए भिखारी। हट ले ले जा इधर से। मेरे साथ घर चली गई। बहुत ढेर सारा है, इतना सारा है। हाँ ले 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 चलेगी चलेगी ना। चली ले। अच्छा ले ले पूरा ले ले।
हाँ चल रख तेरे पास, ले चल चल मेरे घर, चल मैं तुझे ढेर सारा खिलाता हूँ। अच्छा चल आजा आजा आजा, हाँ चल 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 चल, मैं तुझे ढेर सारा खिलाऊंगा अगर बहुत रखा हूँ मैं। हाँ चल ढेर सारा, ढेर सारा। बैठ 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 बैठ। अच्छा ऐसा पकड़ ले, हाँ बैठ बैठ गई। अच्छे से पकड़ना मुझे, हाँ छोड़ना नहीं। ढेर सारा खिलाऊंगा घर पर, हाँ चलो ठीक से बैठ। हाँ बहुत मजा करेंगे। हाँ कितना कितना खाएगी तू? बहुत सारा, बहुत सारा, हाँ बहुत सारा है मेरे पास, चल चल। बहुत मजा आएगा। ये जो भला इंसान भिखारन को अपने घर पर ले जा रहा है, अपने बाइक पर बिठा कर ले जा रहा है, वो कितनी मदद करेगा? क्या सच में वह मदद की नियत से ले जा रहा है या वह इंसान बदनियत है? ये सारी कहानी का पता आपको इसी स्टोरी में मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। अब चलो चलो उतरो, उतरो अभी, उतरो उतरो, घर आ गया ना अपना। हाँ इधर ढेर सारा खिलाऊंगा तुमको। चप्पल। चलो चलो चलो, अच्छा चलो ये भी फेंक दो, मैं दूसरा नया चप्पल देता हूँ। हाँ ऐसे पुराने कपड़े पे कोई रहता है क्या? मैं तुझे नया कपड़ा और नई चप्पल दे रहा दूंगा, चल तुझे पहले मैं नहला देता हूँ। मैं तो नदी में नहाती हूँ। अरे ये भी फेंक दो, मैं तुझे दूसरा देता हूँ ना, और भी है मेरे पास। चल चल अंदर। कितनी सुंदर दिखती है तू। मैंने सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, आज साक्षात कमल खिलते हुए देखा है मैंने। लेना खाओ, तू खा ले, खा ले। कौन कहता है कि तू तो सचमुच में पागल है, किसकी मती मारी गई थी? हाय ना कुछ नहीं होता है। चलो खेलेंगे, हाँ खेलेंगे, खेलेंगे। नहीं खाने दो ना। खाना खिलाने के लिए तो तुझे लाया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे भी कुछ तो खाना है पगली। तो खाओ ना, ये खाओ। तू ही नहीं समझेगी रे पगली, मुझे क्या खाना है, भूख लगी है। हाँ खा खा। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की जिसको खुद का ठिकाना नहीं है, होश हवास नहीं है, जिसे खाने के लिए दाने तक नहीं मिलते, वह लड़की भीख मांगकर जैसे तैसे जी रही है। यानी कहिए जी नहीं रही है, बल्कि कीड़े मकड़ों की जिंदगी जी रही है। वो लड़की जब एक भले से दिखने वाले इंसान से कुछ खाने को मांगती है, तो उस भले से इंसान ने अपना जो असली रूप दिखाया, वो आप खुद ही देखिए।
अरे खा मेरे बच्चा। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना? देख आगे और मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? खाओ खाओ, तुम्हें भी मजा आएगा। नहीं नहीं, तू खा ले, तू खा ले। क्या कर रहे हो? मैं तेरी जिंदगी सवार लूंगा रे पगली। नहीं मेरे बाल। देख तू कितनी सुंदर लिख रही है। हाँ कितनी सुंदर है ना। हाँ तू अपने आप को पहचान नहीं पा रही है। आज तुझे एक जोरी से पाला पड़ा है। देख कैसा मैंने हीरा तराशा है। हाँ देख देख तू कपड़ा खोल, कपड़ा खोल। अच्छा एक मिनट, ये देख मैं अपना खोल रहा हूँ। देख तू भी खोल, खोल ना, अच्छा लगेगा। देख मैं अपना पूरा कपड़ा खोलूं। गंदी बात पे अच्छे बच्चे कपड़े खोलते। अच्छा देख मैं क्या बोल रहा हूँ। देख ये देख रही है, ये देख तेरा हाथ कितना गोरा है। इसे दिखा ना, अभी ये हाथ दिख रहा है ना, जैसे कपड़े खोल के बदन दिखाते हैं। हाँ निकल निकल निकल। हाँ ऐसे नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है। खोल ना रे, खोल ना। नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है। अरे बाप रे बाप, खोल। मैं तुझे कितना घस के नहला हूँ ना। हाँ कितनी खुशबू अच्छी आ रही है ना। ये मैंने नया कपड़ा पहना है ना। अच्छा है ना, अच्छा है ना। ये ले, मैं तुझे सुला देता। अरे मेरे लल्ला, अरे मेरे लल्ला, सो जा मेरे लल्ला। इसी में तो मजे हैं। कुछ नहीं है, खत्म हो गया। अरे अरे खत्म हो गया, मुझे नहीं रहना। अरे खत्म हो गया, मैं और ला दूंगा ना। मुझे नहीं रहना। अरे सुना, ए सुन, ए सुन, अरे सुन सुन। अरे चल चल, समझती नहीं है, कहाँ भागती है। हाँ और ढेर सारा देता हूँ ना। हाँ यार तू ऐसे नहीं मानेगी। सुन मैं तुझे और सारा खिला दूंगा। अच्छा अच्छा मुझे तू एक बात बता, मैं तुझे छोड़ूंगा तू भाग जाएगी? ओ और ये लड़की सचमुच भाग गई तो मेरी बहुत सारी बेइज्जती हो जाएगी। इसको बांध देता हूँ, बांध के रखता हूँ। अच्छा सुन मैं तेरे लिए कुरकुरे लेकर आता हूँ, दो मिनट ठीक। हाँ हाँ कुरकुरे, ये देख कुरकुरे, कुरकुरे, हाँ कुरकुरे खिला रहा हूँ, ऐसे सो जा। कुरकुरे खाएगी? खिलाता हूँ कुरकुरे। मुझे खोलो, मुझे कुरकुरे खाना है। अब तो मुझे ज्यादा हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं है। बस घूम फिर के आओ और जिंदगी के मजा मारो। वाह परोसी हुई थाली है, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी एंजॉय करो। मुझे खोलो, मैं अब तुम्हें अपने हाथों से खिलाता रहूंगा, तू टेंशन मत ले। कुरकुरे ये ले, 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 आकर आवाज नहीं करना, ले मुखोल मुखोल। अब मुंह बंद रख। अब मैं तुझे हमेशा इसी प्रकार से मजे लेते रहूंगा। भूख लगी है।
भूख लगी है। मैंने लाया ना, ये ले तू कुरकुरे खा और मैं तुझे खाता रहूंगा अब। अच्छा लग रहा है ना। ले 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 ले। बहुत मजा आ रहा है। आज मजा आएगा। उठ रहे मेरी पगली, ये क्या है सब गंदगी कर दी। उठे वोट, अरे चमक चल रहा, वोट वोट उठ। अरे ये मर गए क्या? अरे ये ठंडी पड़ गई है, लगता है बीमार थी। अरे यार ये कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई। अरे मुझे पता होता तो मैं इसको लाता ही नहीं, वैसे ही लेकर आया तो मजे करने के लिए, लेकिन गले अटक गया। तो अब मैं क्या करूं, इसका? अब तो इसको जंगल में जाकर फेंकता हूं, किसी ने देखा भी नहीं है, और वैसे भी तो मैं जंगल में ही रहता हूं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पहले इसे मैं चादर से ढकता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं इसको लाता ही नहीं। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत गले पड़ गई। वो कौन सी मानुष घड़ी थी मैं जब इसे उठा लाया। चादर लाता हूं। क्या करूं इसका, इसको ले चलता हूं जंगल पे फेंकता हूं। वैसे भी मेरी हवेली तो जंगल में ही है। हाँ यही ठीक रहेगा। चप्पल मिला, चलो ले लेते हैं। बोतल भी मिल गई, चलिए तो। क्या कर रहा है ये कार वाला, लगता है कचरे का सामान फेंक रहा है। बहुत बड़ा है ना। अरे ये तो लाश है किसी लड़की का।
अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा, पुलिस को कॉल करके बताता हूँ बहुत गलत कर रहा है। अभी पुलिस को बताता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। बोल भाई मैं सुन रहा हूँ। सर मैं कचरा वाला बोल रहा हूँ सर, मैं कचरा बुन रहा था। हाँ बोलो फिर। तो मैंने एक आदमी को देखा सर, तो एक लड़की का लाश यहाँ पे फेंक दिया सर, लेके भी जा रहा है सर। किधर जा रहा है? कार का नंबर नोट करो वहाँ पे है तू। हाँ कितना है कार का नंबर? सर 4326। ठीक है मैंने नोट कर लिया। ठीक है नजर रखो उन लोगों पर। मुझे सर बहुत गड़बड़ लग रहा है सर, जल्दी आइए सर। ठीक है बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम जैसे ही लोग आज के डेट में ईमानदार होते हैं सर। थैंक यू सर। पे नजर बनाए रखना, कुछ गड़बड़ लगा सर इसलिए फोन किया सर। नजर रख के रहो बस, मैं आ रहा हूं। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। अरे यार इसको तो कहीं देखा हूँ, ये तो भिखारी है, ये भीख मांगते थे, इसको मार क्यों दिया? साला भिखारी को मार के क्या मिला, इसको के मार के उसको क्या मिला? ओहो चुच कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में है भगवान। पुलिस को तो फोन कर दिया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कैसे लोग लगता है इसी ने कॉल किया था। आ जी सर मैंने ही फोन किया था सर, ये देखे ना लाश एक आदमी मार के फेंक गया, मरी हुई है सर। किसने फेंका? एक आदमी था सर गाड़ी लगा के गया सर। गाड़ी नंबर नोट किया? हाँ सर आपको बताया था ना। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ सर उठा के फेंक के भाग गया सर। हवलदार हाँ सर एक काम करो एम्बुलेंस को फोन करो और डेड बॉडी को पहले फॉरेंसिक भेजवाओ। ठीक है सर। फोन करके ठीक ठीक ओके सर। और सभी लाइन को गाड़ी का नंबर देके ट्रैक करो, गाड़ी किसके नाम पे है। ठीक है जी सर। सब कुछ करो फटाफट। ठीक है सर। यही एड्रेस दिखा रहा है सर। इधर ही दिखा रहा है, देखते रहो आजू बाजू इधर उधर। अरे सर वो गाड़ी दिख रहा है। एड्रेस तो यही दिखा रहा है। उधर गाड़ी भी है सर। गाड़ी भी है। हाँ चलो यही गाड़ी है ना, नंबर देखो यही गाड़ी है ना। हाँ सर बोलिए। नंबर है जी यही है सर, MS02JP4632। बराबर सर। यही गाड़ी है? यही है सर यही। इसका मालिक अच्छा? कौन है सर? हाँ देखो 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 टायर मार्क फॉरेंसिक से सब आ जाएगा। हवलदार साहब हवलदार उसका फोटो ले तो। जी साहब ले रहा हूँ। गाड़ी को जोर जोर भगाने के चक्कर में गाड़ी को इसने ठोका है, देख रहे हो? हाँ, फोटो लो सब। ये नंबर का लिया फोटो? हाँ हाँ ले लिया सर। हाँ हाँ पहले लिया सर। ठीक है ये देखो यहाँ पे गाड़ी इसने ठोकी है, ये डेंट लगा हुआ। ठीक है जी सर। अब इसके मालिक को ट्रैक करना आसान होगा, समझे? जी, जी, जी। हाँ चलो देखते हैं, यही बंगला है क्या इसका? हाँ सर यही है बंगला। कहीं ना कहीं होगा ही ना, चलो देखते हैं साला कहाँ छुप के बैठा है। देखो साला घर के अंदर बैठा है। अरे मैंने बोला आवाज। देखिए देखिए आपको ये बात सही हुई है, यही बात आप सुनिए। घर के अंदर बैठा है। देखिए घर में क्या कर रहा था? अच्छी तरह से जानते थे मैं कौन हूँ। कौन है तू? कानून से बड़ा है। देखिए आप गुनाह करके गलत फहमी हुई है। क्या गलत फहमी है? आप समझ नहीं रहे क्या? मैं क्यों किसी पागल का खून करूंगा? हाँ साफ साफ यही है साहब। देखो इसी ने मुझे फोन किया था ना, क्या लगता था ना? हाँ क्या यही है साहब? ये मुझे फंसा रहे हो। हमारा गाड़ी इसलिए देखना है साहब। ये मुझे क्या लगा? मुझे क्या लगा साहब? लगा लगने भागा था। तुम ही आए, तुम ही आए, इसी गाड़ी से फेंक के गए थे तुम। चल तुझे बताता हूँ थाने में। क्यों किसी की नीयत खराब हो जाती है? क्या नीयत खराब होना अच्छी बात है?
क्यों कोई भी इंसान अपना बना बनाया करियर इस नियत की वजह से बिगाड़ लेता है। देखिए हश्र क्या हुआ, आखिर अपराधी पकड़ा ही गया। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपराध ना करने की कसम खाइए। चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन अपराध नहीं करना है और अपराधियों से जमकर मुकाबला करना है। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यूं ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।